तो भाई साहब ये है आईफोन 15 नया नवेला मेरे हाथ में और यहाँ पर आज हम इसका करने वाले हैं गेमिंग टेस्ट कि गेमिंग में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। पर एक चीज बता दूं, सबसे पहले इसके अंदर मस्त में टाइप सी वाले पोर्ट आ चुके हैं जो एक मस्त लग रहा है और जो ये कलर है ना बैक साइड में ये ऐसा फील करवा रहा है मस्त एकदम फ्रॉस्टेड टाइप में जिसका लुक इन हैंड फीलिंग काफी ज्यादा अच्छा है और हल्के तो लग ही रहे पर यहाँ पर जब इसको सामने से देखोगे ना तो लिटरली एक बार ऐसा फील होता है कि मैं आईफोन 15 प्रो यूज कर रहा हूँ जो कि एकदम मस्त डायनेमिक आइलैंड यहाँ पर आ चुका है। लेकिन एक खराब चीज ये है कि ये 60 हर्ट्ज पर है जो थोड़ा सा मतलब फील नहीं करवा पाता एकदम रिफ्रेश रेट को। रही बात प्राइसिंग को लेकर तो 80,000 का स्टार्टिंग वेरिएंट मिलता है, मुझे कार्ड ऑफर लगाकर यहाँ पर ये फोन पड़ा 75,000 रुपीज का और GST अगर मैं बेनिफिट लगाऊं और जो मुझे मिला है बेसिकली तो वो प्राइसिंग यहाँ पर देखने मिल जाएगी। तो भाई मुझे तो एकदम क्रेजी डील मिली है। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि ये फोन कितना अच्छा परफॉर्म करता है गेमिंग में क्योंकि इस बार इसमें जो प्रोसेसर है ना वो A16 वाला प्रोसेसर है जो लास्ट ईयर हमको आईफोन 14 प्रो सीरीज में मिल रहा था और इसके अंदर भी 5 कोर का GPU आता है। तो लेट्स सी कितना अच्छा ये परफॉर्म करता है गेमिंग में आईफोन 15 वो चेकआउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलता है सेटिंग में मतलब ग्राफिक सेटिंग BGMI पर आती है स्मूथ पर एक्सट्रीम 60 FPS की गेमिंग डिफॉल्ट कर सकते हो। 90 FPS इसके अंदर कभी नहीं आएगा क्योंकि इसकी जो रिफ्रेश रेट है ना मैक्सिमम 60 Hz है। तो गलती से अगर 90 आ भी जाता है तो आप वो मजे नहीं ले पाओगे एट दी एंड, इतना समझ लेना 60 पे ही गेमिंग कर सकते हो। बाकी फोन का जायरोस्कोप वगैरह टच रिस्पॉन्स वगैरह इसमें तो मुझे सही लगा, 14 प्रो मैक्स मुझे थोड़ा सा इशू लगा था जिसको जानने के लिए आपको वो वीडियो आई बटन में मिल जाएगी तो क्लिक करके चेकआउट कर लेना। एंटी अलाइजिंग हम लोग 2x नहीं 4x करके खेलेंगे क्योंकि यहाँ पर ये चेक करना है A16 कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि 14 प्रो मैक्स पर मैं अगर ना एंटी अलाइजिंग 4x करके खेलता ना तो थोड़ी देर बाद मुझे ना फोन थोड़ा सा लैगी ऐसा फील होने लगता था तो गेम है ना ऐसा प्लेबल लगता ही नहीं था। लेकिन इस बार मैंने इसके अंदर ट्राई करके देखा है तो अभी यहाँ पर जिस रूम में मैं टेस्टिंग भी कर रहा हूँ वहां पर ओनली फैन के अंदर टेस्टिंग हो रही है, एसी वेसी उस रूम के अंदर कुछ भी नहीं है, ओनली पंखे लगे हुए हैं। तो सबसे पहले TDM पर जैसे हम लोग ने गेम प्ले किया और देखो TDM के अंदर गेम प्ले करने के बाद एक चीज तो समझ गए आराम से कि ये फोन आराम से 60 FPS दे देगा, कोई ऐसा ड्रॉप कुछ भी इशू नहीं है, 60 FPS एकदम तगड़ी तरीके से चला लेता है TDM के अंदर। आप गेम प्ले देखते रहना। Marked a location. Fire! No mercy! RTN इतना सिंपल था कि ये TDM के अंदर मुझे तो ऐसा लग ही रहा था कि अच्छे से परफॉर्म करेगा और उसने अच्छे से परफॉर्म भी किया। 60 FPS TDM पे अच्छे खासे प्लेबल मिल जाते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पर हम लोग TDM के बाद में एक थोड़ा सा हैवी ट्रायंगल के अंदर और हम लोग है ना हॉट ड्रॉप की तरह कहीं उतरने का कोशिश करेंगे विलेज एरिया पे ताकि बंदे आसपास बहुत हो जिसकी वजह से FPS में कितना फ्लक्चुएशन होगा वो पता चल सके। और मैंने ना आईफोन 15 प्रो प्रो मैक्स और आईफोन 15 प्लस ये तीनों फोन भी बाय किए हैं तो अगर आप उनके भी टेस्टिंग देखना चाहते हो या फिर 15 वर्सेस आईफोन 14 देखना चाहते हो कौन ज्यादा अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा कंपैरिजन तो वो मुझे आप कमेंट में जरूर बता देना, मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा FPS मीटर के साथ में साइड बाय साइड कितना रिजल्ट आ रहा है वो बता दूंगा। और इसमें पूछोगे कि कितना बैटरी ड्रेन हो रहा है वो नहीं बता सकता क्योंकि केबल कनेक्टेड है PC के अंदर तो जिसकी वजह से आप लोगों को FPS मिल रहा है और जिसकी वजह से एक ये भी हो रहा है कि फोन हल्का हल्का चार्ज भी होते रहता है। तो यहाँ पर सिंपल अभी बैटरी ड्रेन वाला पार्ट नहीं बताएंगे, वो आगे वीडियो आएगी बहुत जल्दी। और एक चीज है यहाँ पर हमको है ना गेमिंग पाठशाला इस चैनल को हमको इंडिया का बेस्ट गेमिंग चैनल बनाना है वो भी मस्त एकदम तगड़ी तरीके से तो आप लोग सब्सक्राइब करोगे ना तभी वो चीज कंप्लीट हो सकती है। तो एक कदम आप बढ़ाओ मस्त में सब्सक्राइब करके आप लोगों के लिए ऐसी टेस्टिंग फर्स्ट डे लेकर आऊंगा, बस सब्सक्राइब आपको दबाना है। और वीडियो अच्छी लग रही है टेस्टिंग पसंद आती है तो भाई वीडियो लाइक मार देना, 5,000 लाइक का टारगेट देता हूँ, फटाफट बस कंप्लीट करवा देना दिल को अच्छा लगेगा तो कर देना। और कुछ ऐसे जैसे कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, बैठा है आपका भाई। तो अभी आप गेम प्ले देखो मजे करो।
सो एट दी एंड इरांगल का गेम प्ले देखने के बाद में एक चीज तो यहां पर भी श्योर हो चुकी है कि ये भाई मस्त में सर्वाइव करता है 60 FPS की तगड़ी गेमिंग को लेकर, और ये 14 प्रो मैक्स से भी ज्यादा बेटर काम कर रहा है। और 14 प्रो मैक्स पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस फोन के अंदर मुझे हीटिंग और जो हैवी वाला पार्ट होता है ना डेफिनेटली देखने मिलता है, तो वो एक अलग पार्ट है, लेकिन 60 FPS में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। शैनॉक पे अगर देखोगे तो यहाँ पर भी हम लोग हैवी रश पे कूदते हैं और उसके अंदर भी कितना FPS में फ्लक्चुएशन आया वो पता चलेगा, और एट दी एंड एक फाइनल वर्डिक्ट दूंगा। बात करें फाइनल वर्डिक्ट को लेकर 60 FPS की परफॉर्मेंस, ये भाई को कोई टच नहीं कर सकता। 60 FPS एकदम तगड़ी तरीके से आप आईफोन 15 के अंदर कर सकते हो। और देखो एक बात है कि लास्ट ईयर का आईफोन 14 भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन जानना है एकदम फ्रेम बाय फ्रेम FPS बाय FPS, तो उसके लिए आपको कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं वीडियो लेकर आऊंगा। और साथ में इस चैनल को बेस्ट बनाना है लाइक वर्ल्ड का यूनिवर्स का, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना मस्त में, ठीक है। तो ये थी सारी टेस्टिंग आईफोन 15 को लेकर। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाए, और कुछ अगर कोई कमेंट रहेंगे तो भी कर देना। बाकी मैं मिलूंगा और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, अभी के लिए बाय।